इन दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट दैट इज द एनी मीडियम, और एनी मीडियम जो हमें बोला गया है दैट इज द एल्यूमिनियम, एक मीडियम है, एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन दैट 2.1 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी जो हमें एल्यूमिनियम का दे रखा है 2.7 × 10³ kg मीटर क्यूबिक। अब देखिए यहाँ पर जो हमें मॉडुलस का फॉर्मूला दे रखा है, हम जानते हैं मॉडुलस जो फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और इसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। इसका मतलब जब हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात करते हैं तो इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया गया होगा जिसके कारण इसमें टेंशन क्रिएट हुआ होगा। सो ड्यू टू दिस फोर्स एंड टेंशन इसके अंदर एक वेव क्रिएट होता है, और आप जानते हैं इसके अंदर जो सॉलिड वेव क्रिएट होता है एक ट्रांसवर्सल वेव होता है। सो दिस इज द ट्रांसवर्सल वेव्स। सो हमें डेंसिटी और मॉडुलस दे रखा है, हमें फाइंड करना है कि बताइए जो ट्रांसवर्सल वेव्स इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसका जो वेलोसिटी होगा उस ट्रांसवर्सल वेव का, या उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसका स्पीड फाइंड करते हैं, और हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें हम रिजिडिटी और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो यू कैन सी दैट दैट इज़ द फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल्स टू ईटा, इसको सिम्बॉल को बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, और यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज द रो एंड इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द डेंसिटी। अब देखिए दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ से इसका ट्रांसवर्सल की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, देखिए पावर 3 यहाँ से कम कर दीजिए, 10⁻⁷, उसमें से 10³ आप बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें एक 10 और मिलेगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दीजिए आप 3 से, और 3 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से कुछ एक वैल्यू मिल जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा हमें जो आंसर मिलेगा, सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगा 2.79 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो हम देखेंगे जो वेलोसिटी यहाँ पे होगा ट्रांसवर्सल वेव्स का वो 2.79 × 10³ मीटर पर सेकेंड की वैल्यू इसमें वेलोसिटी की होगी।